الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ بلغ العلیٰ بکمالہ کشفت دجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. تمام ہی دیکھنے والے محترم ناظرین کرام کو آپ کے میزبان محمد بابر مغل کی جانب سے K21 نیوز کی خصوصی نشریات بزم افطار میں خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ آج دو رمضان المبارک کی ہماری نشریات کا آغاز خدا کے پاک کلام قرآن کریم کی تلاوت سے ہوا ہے. جناب قاری حسن رضا قادری صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک فرمائی. اللہ پاک ان کی آواز میں اور سوز و برکت عطا فرمائے. الحمدللہ ہم رمضان المبارک کی برکتیں رحمتیں لوٹ رہے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جس میں خدا تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نعمتیں نازل ہوتی ہیں. ہمیں اس سے مہینے کا خوب احترام کرنا چاہیے. اس میں عبادت ذکر و اذکار کا خوب اہتمام کرنا چاہیے. الحمدللہ ہماری نشریات جاری و ساری ہیں. آج ہمارے ساتھ مہمان ثنا خواہ حضرات موجود ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب اشر قادری. السلام علیکم، کیسے ہیں اشر؟ آپ کے ساتھ ساتھ موجود ہیں جناب افشا تنویر. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ ہم انشاءاللہ ان سے نعت رسول مقبول سنیں گے اور رمضان المبارک کے حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت نشریات بزم افطار کے نام سے جاری و ساری ہے. میں گزارش کروں گا جناب اشر قادری سے کہ آپ حضور سرور کونین محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں کہ خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں،
खुदा का जिक्र करें और जिक्र मुस्तफ़ा न करें, हो मुँह में ऐसी जबाँ खुदा ना करें कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जनाब अशर कादरी अपनी अकीदत पेश फरमाएंगे हुजूर सरवर कौनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। बिस्मिल्लाह। सल्ले अला करीमना, सल्ले अला मोहम्मदन, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में है, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में है, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खिंचूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खिंचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है, और अर्शे आज़म की जिससे बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है, और फिर मुझे मौत का कोई खतरा न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाना हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाना हो, काश सरकार एक बार मुझसे कहे, काश सरकार एक बार मुझसे कहे कि तेरा जीना मरना मदीने में है, कि तेरा जीना मरना मदीने में है, और सरवरे दो जहां से दुआ है मेरी, हाँ बदो चश्मे तेलते जाग है मेरी, हाँ बदो चश्मे तेलते जाग है मेरी, उनकी फहरिस्त में मेरा भी नाम हो, उनकी फहरिस्त में मेरा भी नाम हो, जिनका रोजाना जाना मदीने में है, जिनका
का रोजाना जाना मदीने में है मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं मेरे आका का रोजा मदीने में है। कादरी हुज़ूर सरवर कौनैन की बारगाह में अपनी अकीदत पेश फरमा रहे थे कि मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरा जीना मरना मदीने में है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला से दुआ है तमाम ही देखने वाले नाज़रीन को, हम सब को अल्लाह पाक अपने घर की और अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की हाज़िरी नसीब फरमाए, बादफ़ हाज़िरी नसीब फरमाए, रमज़ान मदीना नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह बज़्म इफ़्तार की ये ख़ुसूसी नशरियात जारी व सारी है। मैं अब अपने अगले सनाख्वा हमारे साथ मौजूद हैं अफशा तनवीर, उनसे गुजारिश करूंगा कि आप भी हदिया अकीदत पेश फरमाएं। सल्ली अला मुहम्मदिन صلي على شفينا صلي على محمد مدينة سے بلاوا मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, और वहां मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, और ये चक्की रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है, जमाना जितना लंगर खा रहा है, और नवासों जितना लंगर खा रहा है, मेरे
अकेला क्यों मदीने जा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। सुभान अल्लाह, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत कलाम अफशा तनवीर पेश फरमा रही थी, और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सबको मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। जैसे कि नाज़रीन कराम, रमज़ान मुबारक की दूसरी अफ्तार की तैयारियां चल रही होंगी, और आप लोग तिलावत कराम पाक में और ज़िक्र असकार में मशगूल होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि पूरा रमज़ान मुबारक अल्लाह पाक हम सबको इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, इबादत में कोई कोताही ना हो, और इसी तरीके से अल्लाह पाक जितनी रमज़ान की रहमतें, बरकतें, नेमतें हैं उसमें हमें आसानी पैदा फरमाए, उसका हुसूल आसान फरमाए। आइए एक कलाम में भी पेश करता हूँ, बहुत ही खूबसूरत कलाम। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ, अपने मंगतों की वो फहरी से में रखते मुझे, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ। मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की करते है वो पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ। है ये ईमान के आएंगे लहद में मेरी, है ये ईमान के आएंगे लहद में मेरी, अपने मंगतों वो तन्हा नहीं होने देते, अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ।
एक मरतबा फिर देखने वाले तमाम ही नाज़रीन को K21 न्यूज़ की खसूसी नशरियात बज़्म अफ्तार में मेज़बान बाबर मुगल की जानिब से खुश आमदीद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिले रमज़ान मुबारक की नशरियात जारी व सारी हैं और अभी हमें ज्वाइन किया है जनाब एहसन रज़ा क़ादरी ने, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना जारी व सारी है। इस रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में एक आपके लिए प्रॉपर्टी बैंक की जानिब से आपको दे रहा है 80 गज का लीज प्लॉट सिर्फ 9.5 लाख रुपए में, वो भी आसान इकसात पर। और आप लीज विलास बुक करवा सकते हैं सिर्फ 19,60,000, वो भी आसान इकसात पर, गुलशन मेमार के नज़दीक एवरग्रीन विलास में, और अपने घर का खूब ख्वाब पूरा कर सकते हैं। तो फौरी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रابطہ करें। आपको रमज़ान मुबारक के तुफ़ैल और चैनल के रेफरेंस से मज़ीद डिस्काउंट दिया जाएगा। तो जिन लोगों ने इसमें प्लाट बुक कराने हो, स्क्रीन पर नंबर जारी हैं, वो इसमें करा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक की खसूस नशरियात बज़्म अफ्तार में जनाब एहसन रज़ा क़ादरी तशरीफ़ फरमा हुए। एहसन भाई कैसे हैं आप? मैं अशर क़ादरी आपसे गुजारिश करूँगा कि एहसन भाई कसीदा बुर्दा शरीफ पेश फरमाएं। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से, के इतने में सदाई के अब्दुल्लाह के दर से, मुबारक गोशे अर्दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लम दाइमल अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ी कुल्लिहिम, मौलाया सल्ली व सल्लम दाइमल अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ी कुल्लिहिम। न कोई आप जैसा था, न कोई आप जैसा है, न कोई आप जैसा था, न कोई आप जैसा है, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा है, जमीनों आसमां में कोई मिसाल न मिले, हुवल गबी يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ احسن بھائی بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے قصیدہ بدر شریف پیش فرمایا. احسن بھائی ماشاء اللہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جاری ہو ساری ہے اور کیا مصروفیات ہوتی ہیں رمضان المبارک میں آپ کی؟ الحمد للہ محفل اور ٹی وی چینل پہ مصروفیات جاری و ساری ہے اور پھر اس کے علاوہ کام کاج میں بھی مصروفیات جاری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
और हमारे साथ और मेहमान भी तशरीफ़ फरमाए हैं, जनाब अफशद अनवीर साहब भी तशरीफ़ फरमाए हैं। मैं आपसे भी पूछूंगा कि रमज़ान मुबारक में आपकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, कैसे तैयारियां होती हैं रमज़ान मुबारक में। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान बाबरकत महीना है और ख़वातीन का काम तो वैसे ही बढ़ जाता है, किचन भी देखना होता है सहर और इफ्तार, और माशाल्लाह से ट्रांसमिशन भी चल रही हैं अदर्स चैनल पर, रिकॉर्डिंग्स भी चल रही हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला का हम जितना शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह ताला ने हमें ये बाबरकत महीना अता फरमाया। और इस महीने खूब इबादत करके हम अपने गुनाहों को धो सकते हैं। वैसे तो हर रात ही बरकत अफजल वाली रात है, होती है, बरकत मगफरत रात है। वाली होती है, शब बारात होती है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने हम पर करम फरमाया कि हमें ये सआदत है, ये रातें, ये दिन अता फरमाए कि जिसका हर लम्हा हर घड़ी रहमतों से भरा होता है। ऐसे ही है। अच्छा, मैं चाहूंगा कि आप कोई कलाम पेश फरमाएं। सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन सैयदी या हबीबी सैयदी या हबीबी मौलाई कीजिए सैयदी या हबीबी मौलाई।
मौजूद हैं अशर कादरी। अशर कादरी, आपकी क्या मसरूफियात होती हैं, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं रमज़ान मुबारक में? जॉब और चैनल्स पे मसरूफियात बस। सही। चलिए अशर भाई, आप कलाम पेश फरमाएं। सल्ले अला करीमना, सल्ले अला मुहम्मदन, अर्श फर्श पर आका आपके उजाले हैं, अर्श फर्श पर आका आपके उजाले हैं, मेरे जैसे लाखों ही आपने संभाले हैं, मेरे जैसे लाखों ही आपने संभाले हैं। और कौन सा मैं जाहिद हूँ, कौन सा मैं साजिद हूँ, कौन सा मैं वाहिद हूँ, कौन सा मैं साजिद हूँ, बस आपका हवाला है, हम आपके हवाले हैं, आपका हवाला है, हम आपके हवाले हैं। और तेरी नौकरी आका असल बादशाही है, तेरी नौकरी आका असल बादशाही है, उनको क्या कब्र होगी जिनके दिल में ताले हैं, उनको क्या खबर होगी जिनके दिल में ताले हैं। और मर मिटे हैं जो उन पर, उनको मेरे आका, मर मिटे गए जो पर, उनको मेरे आका, अरे सीने से लगाते हैं, सीने से लगाते हैं, वो गोरे हैं या काले हैं, सीने से लगाते हैं, वो गोरे हैं या काले हैं, अर्श फर्श पर आका आपके उजाले हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अशर कादरी अपनी अकीदत पेश फरमा रहे थे। और हमारे साथ एक और मेहमान सनाख्वा मौजूद हैं, अलीशवा, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हदिया अकीदत पेश फरमाएं। तमाम नाज़रीन को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम। ये बहुत खूबसूरत कलाम है और मेरे दिल को बहुत छूता है। जब मैं इसे घर में भी पढ़ती हूँ, जब किसी चैनल पे भी पढ़ती हूँ, तो बहुत मुतासिर होती हूँ इस कलाम से। तो आप सब भी सुनिएगा और दुरूद शरीफ पढ़िएगा। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है।
सोने से कंकर वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को दिल चाहता है वो सोने से कंकर वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को दिल चाहता है। और शायर क्या खूब फरमाते हैं, सितारों से ये चांद कहता है हरदम तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। सितारों से ये चांद कहता है हरदम तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों टुकड़ों का आलम। इशारे में आका कि इतना मजा है कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वही घर बना चाहता है। बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश फरमा रही थी अलिशपा। नाज़रीन इकराम, यहाँ वक्त हो जाता है हमारी आज की नशरियात के इख्तिताम का। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी बज़्मे इफ्तार की खुसूसी नशरियात में K21 चैनल पर। कल तक के लिए आपके मेज़बान मोहम्मद बाबर मुगल को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।